बढ़ते आगे। आपको याद होगा कि कुछ समय पहले गुजरात की आशा ने साबरमती में एक वीडियो रिकॉर्ड किया था, जिसने उसने बताया था कि वो अपने पति और ससुराल वालों से परेशान है और वो सुसाइड कर रही है। वीडियो शेयर करने के बाद उसने नदी में कूदकर आत्महत्या कर ली थी। कुछ ऐसा ही मामला यूपी के संभल से भी सामने आया है, जहां पर एक महिला ने अपने पति और ससुराल वालों से तंग आकर एक वीडियो शेयर किया है। हालांकि नेहा नाच उर्फ निशे नाम की इस महिला के सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल करने के बाद संभल पुलिस तुरंत हरकत में आ गई और उसे एक गलत कदम उठाने से रोक लिया गया। पीड़िता नेहा नाच ने वीडियो में कहा था कि अगर वो आत्महत्या करती है तो उसकी जिम्मेदार उसके ससुराल वाले होंगे, क्योंकि उन्होंने ही उसे ये कदम उठाने के लिए मजबूर किया है। नेहा ने फेसबुक पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, यूपी के डीजीपी, एडीजी और संभल पुलिस को टैग कर आरोपी पति समेत ससुराल वालों पर कार्रवाई करने की मांग की है। उसने कहा कि अगर उसे कुछ होता है तो दोषी उसका पति शहनवाज अख्तर और जेठ वसीम अख्तर होंगे। पीड़िता ने बेटा पैदा न होने और 10 लाख कैश की डिमांड पूरी न होने पर ससुराल से निकाले जाने का पति पर आरोप लगाया है। वीडियो वायरल होने के बाद एसपी चक्रेश मिश्र के आदेश पर चंदौसी कोतवाली पुलिस ने आधी रात को पीड़िता को कोतवाली बुलाकर आरोपी पति समेत 7 ससुराल वालों के खिलाफ केस दर्ज किया है। मैं चंदौसी जिला संभल की निवासी हूँ। मेरी शादी को लगभग 6 वर्ष हो चुके हैं। मैंने अपनी शादी के 1 साल बाद एक बेटी को जन्म दिया। एक बेटी को जन्म देने के बाद मेरे ससुराल वाले व मेरा शौहर शाहनवाज अख्तर मुझसे खुश नहीं है। बोलता है हमें बेटी नहीं चाहिए, हमें बेटी नहीं चाहिए। मेरी बेटी होने के बाद मेरे ससुराल वालों ने मेरा 2 बार गर्भपात करा दिया। मेरा गर्भपात कराने के बाद मैं 15 महीने से अपने पिता के घर रह रही हूँ। मेरे पिता के घर आने के बाद मेरा शौहर शाहनवाज अख्तर मुझसे 10 लाख की मांग कर रहा है। बोल रहा है अपने पिता से 10 लाख रुपए ला कर दे। मेरे पिता को अपनी ये बात बताई। मेरे पिता की 9 महीने पहले मृत्यु हो गई। मेरे पिता को हार्ट हो गया। मेरी माँ विधवा हो गई। मेरी माँ मेरा और मेरी बेटी का खर्चा कैसे करे? मेरी माँ की आय का कोई साधन नहीं है। मेरी माँ की आय का कोई साधन नहीं है। मैं क्या करूं? मैं अपनी आत्मजीवन सीमा समाप्त करने की सोच रही हूं। मैं जिला प्रशासन संभल व मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी जी से अनुरोध करती हूं कि आप मेरी मदद करें। अगर मुझे कुछ होता है तो मेरी मौत का जिम्मेदार मेरा शौहर शाहनवाज अख्तर व मेरा जेठ वसीम अख्तर, जो शहर का सबसे रसूलदार आदमी है। तो संभल की आयशा का ये वीडियो बताया जा रहा है। हालांकि वीडियो वायरल होने के बाद संभल की पुलिस तुरंत हरकत में आई और जो पीड़ित महिला थी उसकी फरियाद सुनी गई। ससुराल वालों पर केस भी दर्ज कर लिया गया है और पूरे मामले की जांच की जा रही है। तो फिलहाल दूसरी आयशा बनने से पुलिस ने एक महिला को रोक लिया है। और संभल से हमारे संवाददाता मुजम्मिल दानिश हमारे साथ इसी खबर पर तमाम जानकारी के साथ में जुड़ गए हैं। मुजम्मिल, एक वीडियो वायरल हुआ था, जिस वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने उस वीडियो को देखा और पुलिस फौरन ही हरकत में आ गई, जिसमें पीड़िता जो गुजरात के साबरमती में जो एक वीडियो वायरल हुआ था उसमें आयशा लड़की दिखी थी और संभल की ठीक आयशा बनने से पुलिस ने फिलहाल रोक लिया है। क्या कुछ मामला है, किस वजह से जो पीड़िता है उन्होंने आरोप लगाया अपने ससुराल वालों पर? मैं आपको बता दूं कि जिस तरह से ये वायरल वीडियो सोशल मीडिया पर हुई थी और ये रात का मामला सामने आया था, उसके बाद जिस तरह से हैदराबाद की एक आयशा का मामला सामने आया था, यही संभल का एक ताजा मामला था। उसने ये कहा कि 2 साल पहले मेरी शादी हुई थी, उसके बाद लगातार दहेज की उत्पीड़न कर रहे थे, 10 लाख की मांग कर रहे थे। मेरी बीच लड़की पैदा हुई थी, उसकी नाराजगी को देखते हुए भी ससुराल के लोग थे। लेकिन फिलहाल देखने की बात है कि जिस तरह से सोशल मीडिया के आने के बाद यहाँ के एसपी चंद्र मिश्रा ने इसको संज्ञान लेते हुए देर रात उस लड़की को उसके परिजन से बुलाया और थाने में देर रात करीब 3 बजे तक इसका मुकदमा दर्ज किया गया और उनके जो परिजन के साथ पति और उसके सास ससुर और उसके देवर के साथ मुकदमा दर्ज किया गया है। फिलहाल अब पूरी तफ्तीश पुलिस मुकदमे की बात कर रही है। और लेकिन जिस तरह से सोशल मीडिया पर उसने ये कहा था कि मोदी और डीजीपी और उसके अलावा प्रधानमंत्री से उसने अपील की थी कि मुझे कानून के जिस तरह से सुरक्षित दिलाया जाए और मुझे न्याय दिलाया जाए, लेकिन न्याय की बात जिस तरह से, लेकिन उससे बात की उससे पहले कहीं उससे शिकायत की नहीं गई। तो कहीं ना कहीं देखा जाए जो आयशा की वीडियो के बाद उस पर असर पड़ा और उसके बाद
उस आयशा के वीडियो के उसके बाद असर पड़ा, और फिर जो सामने जिस तरह से सामने मामला आया था तो वो बड़ा गंभीर और जिस तरह से आरोप लगाया था, फिलहाल पुलिस ने पूरी संज्ञान लेते हुए मुकदमा दर्ज किया गया है और पूरी इस तफ्तीश की जा रही है। तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं, फौरन हाजिर होते हैं।